हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ यूपी की शादी। कैसे होती है यूपी में शादी, कैसे होती हैं उसकी रस्में और कैसे होती हैं उसकी तैयारी। तो आज मेरे घर में तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं कल की हल्दी की। तो यहाँ पे ये हल्दी की स्टेज है जिसका मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। अभी घर में डेकोरेशन चल रही है और कल हमारे घर में हल्दी है, तो ये वाला ब्लॉग स्पेशली मैं हल्दी के लिए बना रही हूँ। हल्दी की रस्में कैसे होती हैं हमारे यहाँ, अभी यहाँ पर डेकोरेशन वाले भैया डेकोरेशन करने में लगे हुए हैं और बाकी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो अब शुरू होता है यहाँ से हमारे हल्दी की शुरुआत, कैसे होती है हमारे यहाँ रस्में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है, हाथों में अनाज लेकर जाया जाता है। अब यहाँ से जाकर हमारे भैया बैठेंगे चौकी पर। आई थिंक आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा, ऐसे सब जगह अलग अलग रस्में होती हैं। आपके यहाँ कैसे होती हैं आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। हमारे यहाँ पर कैसे होती हैं वो मैं एक छोटी सी झलक उसकी आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। अब इसके बाद होगा हल्दी लगाना शुरू। तो यहाँ पर हो चुकी है हल्दी की शुरुआत। आपके यहाँ भी ऐसे ही लगाया जाता है, यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस हाथों को करके स्टार्टिंग की जाती है, पहले तेल और उसके बाद हल्दी लगाने की। माहौल बहुत ही अच्छा और रोमांचक हो जाता है जब ऐसे त्यौहार, ऐसे घर में अच्छे अच्छे से फंक्शन आ जाते हैं। और इसके बाद में ये एक छोटी सी रस्म होती है जिसमें नानी या दादी की गोदी में जो भी दूल्हा या दुल्हन होता है उसे कुछ सामान पीछे फेंकना होता है। आपके यहाँ भी होता होगा, अगर नहीं होता है तो कमेंट में बताइएगा। और इसके बाद जो शुरू होगा वो होगी हल्दी वाली मस्ती परिवार के साथ। अभी इसमें कुछ रस्में बाकी हैं जिसमें एक छोटे बच्चे को साथ में बिठाया जाता है, उसे कुछ सामान दिया जाता है। तो अभी ये सारी तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ काजल की रस्म होने वाली है अभी भैया की, लेकिन उन्होंने मना किया है कि हल्दी के हाथों से मुझे काजल ना लगाया जाए, लेकिन छोटी सी रस्म यहाँ पर पूरी की जा रही है। और इसके बाद में शुरू होगा हल्दी का धूम धड़ाका जो सभी के यहाँ स्पेशल है। और अब शुरू हुआ मम्मी पापा के साथ पूरे परिवार के साथ मस्ती। तो यहाँ पे सभी लोगों ने, पूरे परिवार ने एक साथ डांस किया, सबने एंजॉय किया और स्पेशली भैया ने बहुत ही फनी डांस किया, बहुत ही अच्छा डांस किया। और स्पेशली मम्मी पापा जो कभी डांस नहीं करते, लेकिन आज उन्होंने डांस भी किया, मस्ती भी की और बहुत खुश भी हुए। बहुत अच्छा लगता है जब पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हो जाता है मस्ती करने के लिए। तो दोस्तों, ये हमारे यहाँ मतलब यूपी के ब्रज क्षेत्र की हल्दी की रस्में हैं। आपके यहाँ किस तरीके से मनाई जाती हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। और बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग रस्में होती हैं अलग अलग जगह मनाने की। ये यूपी के ब्रज क्षेत्र की रस्में हैं जो इस तरीके से मनाई जाती हैं। अब शुरू होती है भाभी स्पेशल। ये हम सब ने, सारे कजिन, सारे घर के लोग सब ने मिलकर भाभी के लिए स्पेशली डांस किया, जिसमें केवल हम ही नहीं, भैया के एक स्पेशल दोस्त गुजरात से आए हुए जिन्होंने ये सब कवर किया और हमारे अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाए और हमने भाभी के लिए स्पेशली एक डांस किया। आई होप आपको ये सब पसंद आएगा और आप भी अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर इस तरीके से करेंगे। और अगर इसमें कुछ नया हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, अगली शादी में होगा। अब इसके बाद शुरू होता है भैया की आरती जो मैंने की थी, और भैया को इस तरीके से आरती और आशीर्वाद दोनों एक साथ किए। हालांकि भैया मुझसे बड़े हैं लेकिन ये काम मैंने किया, उन्होंने आशीर्वाद उल्टा मुझे ही दिया लेकिन मैंने किया। और इसके बाद एक लास्ट हम सबका फेवरेट, आई होप आप सबका भी फेवरेट होगा, भैया के लिए स्पेशली। और गाना ही इतना अच्छा था कि मतलब कभी भी कोई भी अच्छा सा फंक्शन हो इस तरीके का और इस पे ये ना हो
तो अधूरा सा लगता है। सब लोग बहुत खुश हुए और इस तरीके से हमारी हल्दी की रस्में पूरी हुई और पूरे परिवार ने एक साथ बहुत अच्छे से हल्दी मनाई, हल्दी की रस्में मनाई और पूरी मस्ती के साथ किया इस फंक्शन को एंजॉय।